स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के डिमांड पर लेकर आया हूं, जिसमें हम जानेंगे कि एक सिविल इंजीनियर अपने साइट पर रहते हुए कैसे बेयरिंग कैपेसिटी पहचान सकता है अपने सॉइल की। बेयरिंग कैपेसिटी मतलब क्षमता, सॉइल की कितनी क्षमता है लोड को सहने के लिए, ये होता है बेयरिंग कैपेसिटी। तो इसके बारे में टोटली डिस्कस करेंगे विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट कैसे एक सिविल इंजीनियर अपने साइट पर बेयरिंग कैपेसिटी डिसाइड कर सकता है, कैसे जान पाता है बेयरिंग कैपेसिटी को। तो दोस्तों मैं हूं इंजीनियर चेतन शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर और एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर, और आज कंप्लीटली इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके साथ आप सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सभी जानकारी से अपडेट रहेंगे रेगुलरली, और साथ में वीडियो को लाइक और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो बेयरिंग कैपेसिटी कॉलेज में नहीं जान पाए। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीटली मैं आप लोगों को बताऊंगा बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं बेयरिंग कैपेसिटी को। बेयरिंग कैपेसिटी मतलब जहां मैं अभी खड़ा हूं इसकी क्या क्षमता है मेरे लोड को सहने के लिए। यदि मेरे लोड से कम इसकी बेयरिंग कैपेसिटी फ्लोरिंग की जहां मैं अभी खड़ा हूं, तो यहां पर क्या हो सकता है, मैं कोलैप्स हो सकती है मेरी फ्लोरिंग। क्यों? क्योंकि लोड ज्यादा दे रहा हूं मैं, मतलब किसी के भी सहने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड बेयरिंग कैपेसिटी। दोस्तों हमने बेयरिंग कैपेसिटी तो जान लिया, लेकिन दो तरह की बेयरिंग कैपेसिटी हम डिसाइड करते हैं यहां पर। दो तरह की बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है? सबसे पहले होती है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और दूसरी होती है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। नाम से ही समझ रहे हैं आप, अल्टीमेट मतलब लास्ट पॉइंट जहां हमारी बेयरिंग कैपेसिटी एंड होती है वो लास्ट पॉइंट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी नाम से ही समझ पा रहे हैं आप, सेफ मतलब जो हमें बिल्डिंग को सेफ कर दे, दैट इज कॉल्ड सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। इसके लिए एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक आदमी से मिलने गए और वो आदमी से आपकी हो गई लड़ाई और आपने उसको 50 झापड़ मारे। उस आदमी को आपने 50 झापड़ मारे लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। आपने 60 झापड़ मारे तो भी कुछ नहीं हुआ। 70 मारे आपने तो भी कुछ नहीं हुआ। 80 झापड़ मारे तो भी कुछ नहीं हुआ। 90 मारे तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 100 पे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आपने 101 झापड़ मारे तो वो आदमी कोलैप्स हो गया, गिर गया नीचे। क्यों क्यों गिरा वो? 100 तक वो सेफ था लेकिन 101 पे फेल हो गया। इसका रीजन था कि 100 ही उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, सहने की क्षमता 100 थी, लेकिन आपने जब 101 झाप मारे तो क्या हुआ, वो गिर गया। इसका रीजन समझ में आया हमको कि यदि मैं भी बिल्डिंग को अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिजाइन करूंगा तो मेरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा लोड, ये आपके बिल्डिंग की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी 100 और आप 100 पे ही क्या कर रहे हैं, उसको फुटिंग को डिजाइन कर रहे हैं, और यदि आपने 1 kN का भी एक्स्ट्रा लोड ले दिया तो क्या होगा, हमारी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या करते हैं, बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी पे, क्योंकि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी 2-3% क्या होती है, लोअर होती है एज कंपेयर टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। मतलब उस आदमी के झापड़ मारने वाले, जो एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया, मान लीजिए आप 50 का लोड लगा रहे हैं अपने बिल्डिंग पर तो बिल्डिंग को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, 60 का लोड लगा रहे हैं किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, 70 का लोड लगा रहे हैं किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, यहां तक कि 100 का लोड लगाएंगे डबल भी हो गया लोड तो बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, यदि आप सेफ बेयरिंग कैपेसिटी पे बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे। इसलिए ही हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी पे। तो यहां आपको कंप्लीटली समझ में आया आपका बेयरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी लेकिन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। लेकिन दोस्तों अभी हमें जानना जरूरी है कि एक साइट पर जाने के बाद कैसे मैं बिल्डिंग का बेयरिंग कैपेसिटी निकालना सीखूंगा। तो उसके लिए दो सिंपल से फॉर्मूले मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं यहां पर हम कि कौन-कौन से दो फॉर्मूले आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में, जिससे हम अपने साइट पर रहते हुए बेयरिंग कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके साथ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने आया हूं मैं कि सिविल गुरुजी ने आप लोगों की लर्निंग बढ़ाने के लिए सिविल गुरुजी एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन को। वहां आपको कंप्लीटली जानने को मिलेंगी सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सभी बातें, कोर्स के माध्यम से वहां पर डिजाइन किया है। अब फेसबुक पर स्क्रॉल नहीं करना है आपको, अब स्क्रॉल करना है सिविल गुरुजी एप्लीकेशन पर, क्योंकि आप लोगों के लिए न्यूज फीड भी लेकर आए जिसमें कंप्लीटली जॉब से जुड़ी हुई जानकारी, टेंडर से जुड़ी हुई जानकारी, कंप्लीटली नोटिफिकेशन
एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां पर जानते हैं कि किस तरह से बेयरिंग कैपेसिटी आप क्या करते हैं फील्ड में डिसाइड कर सकते हैं किसी भी सॉइल का। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे एक बेयरिंग कैपेसिटी के लिए दो फॉर्मूले। सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है आर इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एच अपॉन स्मॉल डी। देखिए R इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच अपॉन स्मॉल डी मैंने यहां पर लिखा। इसका मतलब एक फॉर्मूला दिया मैंने आपको जिसमें R जो है आपका यहां पे R, देखिए R में यहां पे बताता हूं R क्या है आपका। देखिए दोस्तों R क्या है यहां पर, R है रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमारा क्या दिया हुआ है यहां पे R दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहां पर दिया हुआ है W, W क्या है, W है वेट ऑफ द क्यूब, कि क्यूब का वेट। अब इसी टेस्ट को करने के लिए हमको क्यूब की आवश्यकता पड़ती है, क्यूब मतलब जो कंक्रीट क्यूब हम साइट पर बनाते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो W इक्वल्स टू वेट ऑफ द क्यूब और H इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ फॉल, कि कितने हाइट से मैं क्यूब को फॉल करा रहा हूं। इसके बाद डी जो होता है, डी होता है एवरेज डेप्थ ऑफ इंप्रेशन। एवरेज डेप्थ ऑफ इंप्रेशन क्या होता है हमारा, स्मॉल डी होता है। दोस्तों ये कैसे इसको पुटअप करना है वो अभी मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से यहां पे समझाऊंगा, लेकिन ये आप इसको नोट कर लें, कॉपी पेन लेकर बैठे, यदि आप बैठे हैं कॉपी पेन लेकर तो यस लिखिए इस वीडियो में, तभी मैं समझ पाऊंगा, तभी आपको आगे के फॉर्मूले दूंगा। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम यहां पर लेते हैं एस बी सी। देखिए एस बी सी मतलब सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, SBC मतलब सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू R अपॉन A इंटू एफ ओ एस। देखिए सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू R अपॉन A इंटू एफ ओ एस। A मतलब एरिया ऑफ, देखिए A इक्वल्स टू क्या होता है एरिया, किसका एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया का, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया मतलब कि कॉन्टैक्ट क्या कर रहा है हमारा क्यूब उसका एरिया यहां पे, और एफओएस तो आप समझ ही गए क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो उसको लिखते हैं हम एफओएस। हम आरसीसी डिजाइन के टाइम पर 1.5 लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लेकिन डिस्क के डिजाइन पे हम 2-3% लेते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी से सेफ बेयरिंग कैपेसिटी लोअर होती है 2-3 times। देखिए कुछ लोग इसको हायर क्यों बोल देते हैं, हायर बोल देते हैं कुछ लोग, जब हम सुपरस्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर हम हायर लेके चलते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी को, लेकिन यहां लोअर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 50 पे डिजाइन करना है, बिल्डिंग का लोड 100 पे है लेकिन डिजाइन करूंगा कम पे, ज्यादा भी लोड लग जाए वो झांपड़ वाला एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को कि 50 का आ रहा है 100 का लग जाए कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्डिंग को, तो इस चीज पे मुझे क्या करना, डिजाइन करना है। इसलिए सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन के केस में 2-3 times क्या होती है, लोअर होती है। तो ये यहां पर कंप्लीटली फॉर्मूले मैंने लिखे आप लोगों के लिए। इसके बाद हम यहां पर बनाते हैं एक डायग्राम। देखिए इस डायग्राम की मदद से आप यहां पे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालना, और साथ के साथ हम यहां पर जानेंगे ऐसे एक बिल्डिंग के लिए कितना फुटिंग का साइज हमें लेना होता है। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं बना रहा हूं एक एक्सकवेशन पिट। दोस्तों ये बनाया मैंने यहां पर एक्सकवेशन पिट। अब ये एक्सकवेशन पिट मतलब आपका ये है नेचुरल ग्राउंड लेवल, ये जो आपने दिया है ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल, इसको लिख देता हूं मैं NGL। एनजीएल मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो हमने एक्सकवेशन की हाइट डिसाइड करी है, ये मान ली मैंने 2 meters की यहां पे हाइट दी गई है। नेचुरल ग्राउंड लेवल से यहां तक की जो हाइट दी गई है वो कितनी है, 2 meters की दी गई है। अब इसके बाद मैं लेकर आया साइट पर एक क्यूब। क्यूब कौन सा, कॉन्क्रीट का क्यूब लेकर आया। देखिए अब समझिए यहां पर जो टेस्टिंग करने के लिए जो मुझे चाहिए आइटम वो चाहिए बस एक कंक्रीट का क्यूब। तो मैं एक क्यूब लेकर आया यहां पर, तो मैं इस क्यूब को बना देता हूं इधर। दोस्तों मैं लेकर आया एक कंक्रीट का क्यूब। ये कंक्रीट का क्यूब मैंने एनजीएल पर लेकर खड़ा हूं अभी, मैं जो मेरा नेचुरल ग्राउंड लेवल है वहां पर खड़ा हूं। नीचे एक्सकवेशन हो चुका है कितना, 2 meters का। अब 2 meters का मैंने क्या कर दिया, एक्सकवेशन कर दिया, लेकिन अब मैंने इसको कराया फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल मतलब कि मैंने क्यूब को पकड़ा एनजीएल से और सीधे नीचे छोड़ दिया, बिल्कुल विदाउट एनी फोर्स मैंने इसको नीचे छोड़ा। तो नीचे छोड़ते टाइम ये कुछ इस तरह से नीचे आया, यहां से ये नीचे आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसके बाद अब जो क्यूब दिखेगा मुझे वो क्यूब कुछ यहां पे दिखा कुछ इस तरह से, क्योंकि कुछ एरिया क्या कर दिया क्यूब ने, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब नीचे आ गया, मतलब ये 2 meters यहां तक था लेकिन 2 meters से यहां तक ये दूरी कुछ हुई होगी, क्योंकि यहां पर ये जो डिस्प्लेस किया है सॉइल को। देखिए जब भी मैं कुछ भारी चीज डालता हूं नीचे छोड़ता हूं तो नीचे डिस्प्लेस करता है सॉइल को, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पे, मान लिया फॉर एग्जांपल आप करके देखिएगा अपनी साइट पर, और मैंने मान लिया कि ये 0.02 meters मतलब करीबन 20 mm हुआ है,
मतलब मैंने माना कि 20 mm क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। दोस्तों बस इतना ही काम करना है मुझे साइट पर रहकर मुझे केवल इतना ही काम करना है, बाकी काम मुझे करना है उन दो फॉर्मूले से, जो दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे। ये जो दो फॉर्मूले यहां पर निकल गए हैं, R equals to W into H upon small d, SBC equals to R into A upon factor of safety। यदि आपने अभी तक अपने नोटबुक में इसको नोट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। आगे चलते हैं हम इस वीडियो में और जानेंगे अब कि कैसे हमने यहां पर ये एक्सकवेशन पिट लेकर आए, और इस एक्सकवेशन पिट से सबसे पहले जो फॉर्मूला आप लोगों को दिया था कि R equals to W into H upon small d, उसमें हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं पुटअप करने का काम करता हूं, और पुटअप करने के लिए सबसे पहले फिर से एक बार फॉर्मूला लिखता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या था, R equals to W into H upon small d, ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमको, ये हमें क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम वैल्यू को पुट करते हैं। आर क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, कि सॉइल का कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज अ फोर्स। अब इसके बाद डब्ल्यू, देखिए डब्ल्यू क्या था, वेट ऑफ द क्यूब, कैसे निकालूं वेट, तोलूं उसको जाके वेइंग मशीन में, नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसकी मदद लेंगे और यहां पर निकालेंगे। देखिए मास की यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, और डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट होता है, तो आंसर किसमें आता है, केजी में आता है, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द क्यूब। देखिए अब क्यूब का साइज तो आपको पता ही है कितना होता है, कॉन्क्रीट क्यूब का साइज, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कितना कॉन्क्रीट क्यूब का साइज होता है। कॉन्क्रीट क्यूब का साइज है 150 mm by 150 mm by 150 mm, लेकिन अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मीटर में कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हमने यहां पर लिखा 0.15 meter और 0.15 meter मैंने यहां पर लिख दिया। ये तो हो गया मीटर मीटर मीटर, डेट इज मीटर क्यूब, लेकिन डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट होती है SPCC के लिए 2400 kg per meter cube और RCC के लिए 2500 kg per meter cube, तो मैंने यहां पर लिखा 2400 kg per meter cube। देखिए 2400 kg per meter cube, इस मीटर क्यूब से ये मीटर 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 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आंसर किसमें आएगा, केजी में आएगा। लेकिन अभी फॉर्मूले में और भी चीजें हैं, एच क्या बताया था मैंने, हाइट ऑफ फॉल, देखिए हाइट ऑफ फॉल मतलब कितने ऊपर से मैंने कॉन्क्रीट क्यूब को नीचे गिराया है, तो डेट इज 2 meter, तो 2 meter की कर दी हमने मल्टीप्लाई। अब इसके बाद डी क्या बताया था, एवरेज डेप्थ इंप्रेशन, इंप्रेशन मतलब कि कितना डेप्थ यहां पे क्या हुआ है, नीचे गया है, कितना नीचे गया है, 20 mm, 20 mm मतलब 0.02 meter, देखिए मीटर से वाला मीटर कैंसिल आउट। मैंने क्या बताया था आपको, R की वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल क्या है, दैट इज अ फोर्स, यूनिट क्या होगी, केजी में होगी यहां पे, तो देखिए बचाई क्या है, केजी बचा है, मीटर क्यूब भी कैंसिल आउट, मीटर भी कैंसिल आउट, मीटर भी कैंसिल आउट, तो आंसर किसमें आएगा हमारा, केजी में आएगा यहां पे। तो हम यहां पे आंसर निकालेंगे किसमें, केजी में, इनकी मल्टीप्लाई करके। कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से मुझे बताइए कितना आंसर हमारा आर का यहां पर आया है, तभी आप सीख, यदि मेरे साथ आप सॉल्व आउट करने बैठे हुए हैं अपने यहां वीडियो देखते टाइम, तभी आप इस वाले कंसेप्ट को सीख पाएंगे। कोई नहीं सिखाता, किसी किताबों में नहीं है, अगर सीखना है तो कंप्लीटली प्रैक्टिकली यहां पर मैं आपको सिखा। बिल्कुल यहां पर आंसर आया हमारा 810 kg, तो ये सॉल्व आउट हुआ हमारा R, R कितना आ गया 810 kg, ये सॉइल का क्या है, रेजिस्टेंस है, सॉइल का रेजिस्टेंस कितना 810 kg। अब आगे चलेंगे हम और फॉर्मूले में, अब जो फॉर्मूला है वो है हमारा SBC, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, अब डिसाइड करेंगे कितना होगा सॉइल का, तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी R अपॉन A इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल जो कि अभी हमने निकाला 810 kg, A क्या है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, ये आपको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 to 3 times ले सकते हैं, मैं यहां पे 2 कंसीडर करूंगा कि हाफ यहां पे कंसीडर करेंगे हम, किसके लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 to 3, दैट इज अ रेंज, आप 2, 2.1, 2.2 से लेके 3 तक आप कुछ भी यहां पे वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं। चलते हैं आगे और समझते हैं कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकाला जाएगा, तो यहां पे हम निकालना सीखेंगे अब सेफ बेयरिंग कैपेसिटी को। सबसे पहले मैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का एक बार और फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है R अपॉन A इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए A क्या है, R तो हमें पता है, तो पहले हम R की वैल्यू लिख देते हैं फिर के उसके बाद A की बात करेंगे, तो R की वैल्यू आई थी 810 kg, इसके बाद A क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लूंगा मैं 2, ये यूनिट लेस है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लेकिन A क्या है, अभी भी वो क्वेश्चन आ गया। देखिए यहां पर हमने अभी जब क्यूब को नीचे गिराया था, ये हमने क्यूब को नीचे गिराया, क्यूब को नीचे गिराते टाइम ये जो नीचे का जो एरिया है, जो नीचे का एरिया हमने टच किया है, दैट इज द एरिया,
दैट इज द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया दैट इज 0.15 और 0.15, क्योंकि दो ही तो डायमेंशन नीचे टच होंगी किसकी, क्यूब की, तीसरी डायमेंशन तो अभी टच नहीं कर रही सॉइल को, सॉइल को टच करने केवल दो डायमेंशन दैट इज 150 mm by 150 mm. तो यहां पर हम वही 150 mm by 150 mm यहां पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, दैट इज 0.15 meter और 0.15 meter, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हम देखिए क्या करेंगे, ये केजी में है, ये मीटर मीटर, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होने वाला, लेकिन एक बात समझ में आ गई, अब जो हमारी यूनिट आएगी वो आएगी केजी पर मीटर स्क्वायर, और बेयरिंग कैपेसिटी की यूनिट भी क्या होती है, केजी पर मीटर स्क्वायर होती है। यहां पर हमने यूनिट लिखी केजी पर मीटर स्क्वायर। यहां पर हम आंसर निकालते हैं, तो आंसर निकालने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जाइए और मुझे यहां पर आंसर बताइए कितना आंसर यहां पर आने वाला है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हमारी कितनी आने वाली है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालना नहीं सीखा, कभी भी YouTube प्लेटफॉर्म पे किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज सिविल गुरुजी इस चीज को भी यहां पे आपको कंप्लीटली बता रहा है। यदि आपको और भी ऐसे ही टेक्निकल स्किल सीखनी है तो आप सिविल गुरुजी एप्लीकेशन पर जाइए या कॉल कीजिए, जो नीचे बोर्ड लाइन पे नंबर दिया गया 9111001234, 9111001234 पे जाकर आप कॉल कीजिए और टेक्निकल स्किल्स के बारे में जानिए कि क्या-क्या टेक्निकल स्किल्स आप लोगों को जरूरी होती है सीखने के लिए। लेकिन अभी हम बात करते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में, जल्दी से जल्दी आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में जाके, कितना आंसर आएगा हमारा, बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आएगी सॉइल की यदि यही कंडीशन होगी हमारे साइट पर। तो दोस्तों यहां पे आंसर आया 18,000 kg per meter square। ये हमारा कंप्लीटली आंसर यहां पे फाइंड आउट हो चुका है कि 18,000 kg per meter square हमारी बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की। कौन सी बेयरिंग कैपेसिटी? सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर मैं अल्टीमेट की बात करूं तो कितना होगा, देखिए यहां से समझे, दो की हमने मल्टीप्लाई की थी तो मतलब 36,000 अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, लेकिन मैं फुटिंग को डिजाइन करूंगा 18,000 पर, मतलब लोड आज ज्यादा जरूर रहा है लेकिन मैं यहां पर सेफ लेके चल रहा हूं कि किसी भी तरह का, मतलब 18,000 kg per meter square, यदि लोड 20,000 kg भी हो जाए बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, 25,000 भी हो जाए बिल्डिंग को नुकसान नहीं हो जाएगा, 30,000 भी हो जाए बिल्डिंग को नुकसान नहीं होने वाला, 31,000 भी हो जाए बिल्डिंग को नुकसान नहीं, 35,000 भी हो जाए बिल्डिंग को नुकसान नहीं, यहां तक कि डबल भी हो जाए लोड तो किसी भी तरह का बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी मेरी, इसलिए हम डिजाइन करते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। आप सभी को यहां पर समझ में आ गया होगा सेफ बेयरिंग कैपेसिटी पर ही क्यों डिजाइन करते हैं, यदि समझ में आया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अब दोस्तों देखिए इसको मैं और अच्छे से यहां पर रिलेट करता हूं, ये जो 18,000 केजी पर मीटर स्क्वायर, इसके रिजल्ट को तो आगे लेके चलेंगे लेकिन पहले इसको ही जानना जरूरी है। मान लीजिए अब आपके पास ये एरिया है, ये 1 meter है और ये 1 meter है, मतलब 1 meter square का एरिया है आपके पास, इस 1 meter square में बिल्डिंग के लोड का 18,000 kg क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सॉइल को, मतलब हमारे सॉइल की क्षमता है 1 meter by 1 meter की जगह में 18,000 kg के लोड को कैरी करना, उसकी स्ट्रेंथ है ये 18,000 kg, ये हमने यहां पे बेयरिंग कैपेसिटी से समझा भी। लेकिन दोस्तों अब इसको यूज कैसे करें उसके बारे में बताता हूं। देखिए आप सबसे पहले आपकी जो बिल्डिंग है जो आप बनाने वाले हैं आपको उसका लोड पता होना चाहिए। सबसे पहले लोड निकालने के लिए एकदम सिंपल मेथड मैं आप लोगों को बताता हूं। जितने भी आपके पास आरसीसी मेंबर हैं, जितने भी आपके पास ब्रिक वर्क हैं, इनकी डेंसिटी के साथ उनका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करिए। मान लीजिए आपके पास बीम है और बीम का साइज है 2 meter, 2 meter की स्पान है और बीम का जो डायमेंशन है वो मान लीजिए 350 by 450 mm, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 3 dimension की मल्टर, जो कि मैं एस्टिमेशन पार्ट में आपको सिखाता हूं कंप्लीटली। अगर नहीं सीखे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन में आपको एस्टिमेशन सिखाने के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के अंदर कंप्लीट मैंने एस्टिमेशन में आपको यही चीजें सिखाई हैं कि पूरे बिल्डिंग का आइटम वाइज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो कंप्लीटली मैंने आपको एप्लीकेशन में सिखाया है। एप्लीकेशन के अंदर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की ग्रोथ के लिए, आप लोगों की टेक्निकल स्किल्स बढ़ाने के लिए वो कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। दोस्तों इसके बाद यहां पर हम समझते हैं 18,000 kg per meter square जो हमारा यहां पर एरिया आया है किसका, बेयरिंग कैपेसिटी का। दोस्तों अब यहां पर समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास, जैसा कि मैं एग्जांपल ले रहा था, आपके पास वॉल है कोई, उस वॉल का लोड निकालना, तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम मतलब लंबाई, वॉल की चौड़ाई और वॉल की ऊंचाई, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, जो कि हम वॉल्यूम बचपन से करते हैं सॉल्व, साथ में उसकी डेंसिटी, ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है, 1800 से लेके 1900 kg per meter। अगर मैं किलोन्यूटन की बात करूं तो 1 kN में होते हैं 100 kg, मतलब 18 kN से लेके 19 kN के बीच में होती है हमारी, दैट इज अ रेंज। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रिक वर्क का लोड निकाल सकते हैं। यदि मैं आरसीसी मेंबर की बात करूं, कॉलम का लोड निकालना, स्लैब का लोड निकालना, तो उसका वॉल्यूम निकालिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके डेंसिटी के साथ। आप इसी तरह से पूरे बिल्डिंग की लोड निकाल दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके बिल्डिंग का लोड आया 10,00,000 kg, मैंने यहां पर लिख लिया
मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का जो वेट आया है वो आपने कैलकुलेट करके देखा तो 10 लाख केजी आपके बिल्डिंग का वेट है। 10 लाख केजी क्या है आपके बिल्डिंग का वेट आया। ये बेयरिंग कैपेसिटी अभी आपने फाइंड आउट किया है 18,000 केजी पर मीटर स्क्वायर, ये आपने फाइंड आउट किया। अब आपके बिल्डिंग का लोड आपको पता चल गया, आपको अपनी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पता चल गई। अब आपको ये निकालना है कि कितना एरिया, देखिए समझिए, कितना एरिया चाहिए इस पूरे बिल्डिंग के लोड को कैरी कराने के लिए, किसको, सॉइल को, कि सॉइल को कितना एरिया में मैं फुटिंग अपने प्रोवाइड करूं। तो उसे निकालने के लिए आप इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड जब करेंगे तो केजी से केजी तो कैंसिल आउट जाएगा, रिक्वायर्ड मैं यहां पर लिखता हूं, अब रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए 10 लाख से डिवाइड कर दूंगा मैं किसका, 18,000 का। तो आंसर किसमें आएगा मेरा, मीटर स्क्वायर में। फिर से भाई काम, कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कितना यहाँ पे एरिया चाहिए मुझे अपने बिल्डिंग के लोड को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, कि फुटिंग का टोटल एरिया क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ फुटिंग होगा उसका टोटल एरिया क्या आएगा मेरा, कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी बताइए। तो दोस्तों यहां पे आंसर आया 55.55 मीटर स्क्वायर, 55.55 मीटर स्क्वायर टोटल फुटिंग का मुझे एरिया रिक्वायर्ड है। अब देखिए यहां से समझिए, आपने फुटिंग का टोटल फुटिंग का तो निकाल दिया, मतलब मान लीजिए 8 फुटिंग हो सकते हैं, 10 फुटिंग हो सकती है आपके पास, 16 फुटिंग हो सकती है। अब आपको क्या चाहिए, यहां पे चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि जहां आपके कॉलम होंगे वहीं पे तो आपकी फुटिंग होगी। एक फुटिंग का एरिया कितना होगा ये फाइंड आउट करना है हमको, कि एक फुटिंग का एरिया कैसे निकालूं मैं। अब देखिए कॉलम प्लेसिंग यदि आप सीखना चाहते हैं, कॉलम प्लेसिंग का पूरा कंसेप्ट हमने सिखाया अपने प्रोफेशनल ऑटोकैड वाले पार्ट में, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। आपको उसके लिए क्या करना है, या तो आपको विजिट करना है www.civilguruji.com पे, या आप जाइए सिविल गुरुजी एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आपको प्रोफेशनल ऑटोकैड में कंप्लीटली कंसेप्ट आया है कॉलम प्लेसिंग के बारे में। मान लीजिए आपके बिल्डिंग में 16 नंबर ऑफ कॉलम है, मान लीजिए आपके बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 16 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो 16 नंबर ऑफ क्या होंगे आपके पास, फुटिंग होंगे। अब हमें एक फुटिंग का एरिया निकालना है कि कितने बाय कितने का फुटिंग दूं। जिस तरह से आपने आर्किटेक्चर ड्राइंग में, स्ट्रक्चर ड्राइंग में देखा होगा, फुटिंग का साइज 1800 बाय 1800 लिखा रहता है, 1500 बाय 1500 लिखा रहता है, 2000 बाय 2000 लिखा रहता है, लेकिन कैसे आता है वो कंसेप्ट आज मैं आपको देने वाला हूं यहां पे। तो मैं निकालता हूं एक फुटिंग का, देखिए यहां पे साफ साफ देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, एक फुटिंग का एरिया क्या होगा ये हम यहां पे निकालने वाले हैं। नंबर ऑफ कॉलम मैंने आपको बताया, मान लीजिए 16 है, फॉर एग्जांपल कॉलम प्लेसिंग सीखना है तो ऑटोकैड पे जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वहीं आपको कॉलम प्लेसिंग मिलती है, क्योंकि ऐसे कॉलम प्लेसिंग किया जाता है किसी भी आर्किटेक्चर प्लान में, स्ट्रक्चर प्लान में किस तरह से करते हैं। लेकिन मान लीजिए 16 नंबर ऑफ कॉलम है, तो 16 नंबर ऑफ क्या होंगे, फुटिंग होगी। कॉलम को हवा में तो देंगे नहीं, नीचे फुटिंग तो कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे मैंने 16 से क्या कर दिया, इसका डिवाइड कर दिया। अब जो आंसर आएगा वो एक फुटिंग का एरिया आ गया, मतलब कि एक ये मेरे पास फुटिंग है, इसका टोटल एरिया क्या होगा, इसकी एक्स डायमेंशन और इसकी वाई डायमेंशन, दैट इज called xy। तो xy निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे 16 से इसका डिवाइड कर देंगे 55.55 का। तो आंसर क्या आएगा, आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एक फुटिंग का कितना आंसर आपका आ। तो दोस्तों यहां पे हम डिवाइड करने के बाद आंसर आया 3.47 मीटर स्क्वायर। देखिए ये xy है, अब x कितना y कितना, क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो दोस्तों, जब चेतन शर्मा आपके साथ बैठा हुआ है यहां पर, तो x और y निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका हाफ कर लो, या इसके लिए क्या करते हैं, अंडर रूट कर सकते हैं आप, दैट इज 1.86 समथिंग यहां पर हमारा वैल्यू आएगा। तो 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1.86, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए तो 3.47 समथिंग ही आपकी वैल्यू आएगी। अब यहां पे आपने डिसाइड कर लिया कि 1.86 बाय 1.86 की क्या दूंगा मैं फुटिंग दूंगा, यही तो सीखना चाहते थे आप। तो दोस्तों यहां पे आपने कंप्लीटली सीखा कि एक्स और वाई फुटिंग का कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यही पार्ट आप सीखना चाहते थे, यही पार्ट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता, यही पार्ट आपके कॉलेज में नहीं मिलता, यही पार्ट आपको साइट पर नहीं सिखाया जाता, लेकिन दोस्तों यहां पे पॉसिबल है ना। इसी तरह से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में हमने कंप्लीट टेक्निकल स्किल्स रखी हुई है कि फील्ड पे ना जाना पड़े, लेकिन एक इंजीनियर कंप्लीटली सीख पाए अपने मोबाइल पे देख के। रात को यदि 12 बजे भी पढ़ने का मन करता है तो 12 बजे भी आप चेतन शर्मा को अपने सामने खड़ा कर सकते हैं और 12 बजे आप पढ़ सकते हैं अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो को, जब चाहे विदाउट इंटरनेट आप देख सकते हैं, ये भी हमने क्वालिटी उसमें अपने एप्लीकेशन में लेकर आए हैं। दोस्तों अभी भी कंसेप्ट थोड़ा सा और दूंगा मैं आप लोगों को इसमें, यहां पर ही नहीं छोड़ूंगा। अब यहां पर मान लीजिए आपका प्लॉट का साइज था, देखिए थोड़ा सा और मैं आगे ले जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूं। मान लीजिए प्लॉट का साइज था आपके पास 200 मीटर स्क्वायर का,
तो आप 200 मीटर स्क्वायर में जो आपके फुटिंग घेरेगा स्पेस, वो 55.55 मीटर स्क्वायर घेर रहा है बस, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। फिर तो आइसोलेटेड अलग अलग हम फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये जो आपका एरिया आया है, ये एरिया आपका लगभग 180 मीटर स्क्वायर आ जाता है, मतलब 200 मीटर स्क्वायर का प्लॉट है और 180 मीटर स्क्वायर आपका फुटिंग का एरिया आ जाता है। टोटल फुटिंग का एरिया आपके आइसोलेटेड फुटिंग आप दे पाते हैं? नहीं दे पाते, सारा फुटिंग ओवरलैप होता। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पूरे प्लॉट को एक साथ ही एक्सकवेट कर देते हैं, और एक साथ एक्सकवेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको राफ फुटिंग देते हैं, मैट फुटिंग देते हैं। कब? जब हमारा फुटिंग का एरिया लगभग प्लॉट के एरिया के बराबर हो जाए। लेकिन अभी एक कंसेप्ट और आ रहा है यहां पे। मान लीजिए प्लॉट का एरिया है 200 मीटर स्क्वायर और फुटिंग का एरिया आ जाए 240 मीटर स्क्वायर, अब क्या करोगे, बाजू वाले के फुटिंग को, आप बाजू वाले के जो प्लॉट है उसको घेर लो? नहीं करना है ऐसा काम, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो जाएंगे फिर तो अगर ऐसा कर लिया। ऐसे कंडीशन पे आप 2 मीटर में, मतलब जो हमने यहां पे टेस्टिंग की थी, पहली टेस्टिंग कि हम यहां पर 2 मीटर गए थे, आप लोग देख रहे हैं हम यहां पे जो एक्सकवेशन किया था वो 2 मीटर किया था। ऐसे कंडीशन पे हमें थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा जब हमारी बेयरिंग कैपेसिटी यहां पे हो सकता है सेटिस्फाई करे। ऐसी फुटिंग को बोलते हैं डीप फाउंडेशन, ऐसे फुटिंग को बोलते हैं डीप फाउंडेशन। जब पाइल का केस आता है, पाइल का केस कब आता है, जब आपके फुटिंग का जो बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल का वो सक्षम नहीं है लोड को सहने में, जितना लोड आ रहा है हमारा वो सक्षम नहीं है, तो ऑब्वियसली नीचे जाना ही पड़ेगा जब तक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो ये कंसेप्ट होते हैं हमारे डीप फाउंडेशन के। आप लोगों ने अभी तक कंप्लीटली शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन का नाम तो सुना होगा, कब देते हैं ये आपको पढ़ा दिया गया, लेकिन यहां पे कंप्लीटली आप उसको एक कंसेप्ट के साथ सीखे हैं। तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर जगह हर एक इंजीनियर जान पाए कि अपने साइट पर रहकर रहते हुए बेयरिंग कैपेसिटी को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक सिविल गुरुजी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही टेक्निकल स्किल्स बढ़ाने के लिए ही वो एप्लीकेशन लाए हुए, तो दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों को लाता रहूंगा जिसमें कंप्लीटली ऐसे टेक्निकल स्किल्स जो कि एक सिविल इंजीनियर को जानना बेहद जरूरी। तो दोस्तों इंडिया का नंबर 1 कोर्स बनाने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक नमस्कार।